ऐसी बात है कि 18 अगस्त को हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक बांग्लादेशी नागरिक कोंगाव के पिंपलघर एरिया में रह रहा है। और उसको जब हमने ताबे भी लिया और उसके बाद में इंक्वायरी की तो उसका मोबाइल नंबर हमको, मोबाइल उसके हाथ में था, तो मोबाइल में जब हमने छानबीन की मोबाइल में, तब उसमें एक इमो ऐप हमको मिल गया है और वो इमो ऐप के जरिए अपने बांग्लादेश के जो उसके रिलेटिव्स है उनको कॉल कर रहा था, तो ये हमको एविडेंस हो गया कि ये भाई बांग्लादेशी है। ऐसी बात है कि 18 अगस्त को हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक बांग्लादेशी नागरिक कोंगाव के पिंपलघर एरिया में रह रहा है, एक रूम में रह के वो प्लम्बिंग का काम कर रहा है, ऐसे हमें एक इन्फॉर्मेशन आई थी। और इस इन्फॉर्मेशन के तहत हमने जब कार्रवाई की, हम जो उस रूम में पहुंचे, जो इन्फॉर्मर ने हमको दिखाया था उस रूम में पहुंचे, तो वहाँ पर हमको एक नागरिक मिला है, एक इसम हमको मिला, मतलब एक पर्सन मिला वहाँ पे हमको। और उसको जब हमने ताबे भी लिया और उसके पास में इंक्वायरी की, तो उसका मोबाइल नंबर हमको, मोबाइल उसके हाथ में था, तो मोबाइल में जब हमने छानबीन की मोबाइल में, तब उसमें एक इमो ऐप हमको मिल गया है और वो इमो ऐप के जरिए अपने बांग्लादेश के जो उसके रिलेटिव्स है उनको कॉल कर रहा था, तो ये हमको एविडेंस हो गया कि ये भाई बांग्लादेशी है। फिर उसको हम लोगों ने आगे की इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में लेके आए हैं और उसके ऊपर केस दर्ज करके हम लोगों ने विविध एक्ट्स है उसके ऊपर केस रजिस्टर किया हुआ है, अभी वो फिलहाल कस्टडी में है। सर और कितने लोग आशंका है कि और हो सकता? अभी देखिए हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इसमें अभी ये देखना है कि हमको ये किस जरिए यहाँ पे आया, इसके पास कुछ इंडियन डॉक्यूमेंट्स है क्या, अगर इंडियन डॉक्यूमेंट्स है तो इसने कहाँ से बनाए हैं, ये सब हमको आगे छानबीन करनी है। इसमें अभी अरेस्ट हो सकते हैं अभी, आओ इट विल बी टू अर्ली, अगर अभी अभी बात करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी मेरे लिए। इन्वेस्टिगेशन चालू है, आगे जो भी होगा आपको हम बताएंगे। बांग्लादेशी नागरिक कोंगावच्या पिंपळघर परिसरामध्ये राहत असल्याची माहिती आम्हाला गुप्त बातमीदाराकडून मिळाली होती, त्या अनुषंगाने मग आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन सापळा रचला आणि एका रूममध्ये तो राहत होता, त्या रूममध्ये ज्यावेळेला आम्ही एंट्री केली त्यावेळेला तो इसम तिथे आम्हाला मिळून आला। त्याच्याकडे चौकशी केली तर पहिलं तर त्याने अगदी उडवाडीचे उत्तरं, म्हणजे एकदम मी भारतीय असल्यासारखं त्याने सांगितलं, परंतु मग ज्यावेळेला त्याचा आपण मोबाईल बघितला, त्या मोबाईलमध्ये एक इमो ॲप आहे, जो इमो ॲप आहे तो बांग्लादेशी नागरिक जास्त करून वापरतात कॉलिंगसाठी, तर त्या ॲपमध्ये त्याने बांग्लादेशी त्याचे जे सबॉर्डिनेट्स आहेत, तिकडचे जे नातेवाईक आहेत, त्यांना त्याने कॉल केल्याची आपल्याला हिस्ट्री मिळून आली आणि प्रथमदर्शनी तो बांग्लादेशी असल्याची आपली खात्री झाल्याने आपण त्याला पोलीस ठाण्यात आणला आणि त्याच्यावरती गुन्हा नोंद केलेला आहे, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे, त्याचे रिमांड आपण घेतलेले आहे।